ओम शांति। आज 10 जून 2021 बाबा के महावाक्य है, मिथे बच्चे अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर है, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहां तुम अकाली मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। तीन कथाएं भारत में ही मशहूर है, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे ना सके। यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो, इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों बगैर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं। हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है, रूहों को पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं, मैं यह पढ़ता हूँ मैं यह करता हूँ। देह अभिमान आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं, तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे होना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है, इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं। कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। यह तो रॉन्ग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाई सच खंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। यह जो कुछ देखने में आता है यह नहीं रहेगा। समय बाकी थोड़ा है। यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है, जिसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं,
कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं, यह है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ, यह अंतिम यज्ञ है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं, बाकी थोड़ी मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्य को यह पता नहीं है, वह तो कह देते हैं मृत्युलोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है, जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं। मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है। हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्युलोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। यह तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए हैं। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी, नीच, कंगाल, विकारी हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़े ही किया। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी बैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते हैं यह तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी, महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मुसलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है ना। मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की तो बात नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का
विनाश होगा, तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है, यह भी समझते हो। जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे, देवता बनने के लिए बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे कब रचते हैं यह कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं, बुलाते ही हैं पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं। दुनिया को बदलना है तुमको, बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अभी सत तमु प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतु प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है, कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है सच्ची सत्य नारायण की कथा, अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य, ऊंचते ऊंच माँ बाप बाकी है बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े कुछ भी करें वर्षा मिल ना सके। आगे करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है, वह तो हो गया अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो 21 जन्म के लिए, विचार करो। वह एक सुनाएंगे सब उनको पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते हो। वहाँ सुनाने वाले की जेब भरती है, भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आए। यह है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं, जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो। अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उन्होंने खाद पड़ जाती है। अभी तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी सुदेवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर सुदेवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए, किस युग में कितने वर्ष में कितने जन्म हुए। बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो, अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो,
ब्रह्मा बाबा द्वारा ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा मिल ना सके, यह भी भाई हो गया, यह शरीरधारी है ना, तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, इन यानी ब्रह्मा से नहीं, जिससे वर्षा नहीं पाना है, उनको याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है, उनको ही कहते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, याद शिव बाबा को ही करना है, आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है, मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, भ्रुकुटी के बीच जाए विराजमान होता हूँ, बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है, सतयुग में तो कोई ऐसी चीज देखने की आशा नहीं रहती, आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई इन आँखों से देखने की बात नहीं है, भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं, जिसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया है, मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई, ऐसे कोई होता नहीं है, आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं, अभी तुम समझते हो, हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहां हम गर्भ महल में होंगे, यहां तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं, अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए, अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है, सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरा जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं, इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। वरदान है मन मनाभाव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण ना हो, तब अलौकिक अतिंद्रिय सुख व मनरस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मनाभव की स्थिति चाहिए। स्लोगन है सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की